है, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया था। तो प्यार होने की वजह से हम 6 महीना उसी के घर पे साथ रहेंगे। आप 10 लाख रुपए मुझे और देंगे। मान सकते हैं कि अब आप ना इधर की रही हैं ना उधर की रही हैं, क्योंकि किन्नर समाज ने भी आपको जैसे कि आपको न्याय मिल पाएगा उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। क्या बताइए, मतलब आपकी कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे हुआ, अगर पूरी कहानी की शुरुआत कर लें, कैसे उनसे मुलाकात, शादी का प्रस्ताव उन्होंने रखा आपके साथ, तो आपके घर वाले मोदी जी से इतनी प्रार्थना है, महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। हमारी हमने कानपुर में कार्रवाई की थी, हमारी कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है, तो मुझे न्याय दिलाया जाए। मैं इस टाइम पे बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे न्याय दिलाया जाए। मोदी जी से, योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे पति से मुझे मिलाया जाए। युवक ने प्यार का झांसा देकर किन्नर से करी शादी, लाखों की नकदी व जेवर हड़पने के बाद निकाला घर से। विवाहिता किन्नर का लाखों का सोना व लाखों की नकदी ससुरालीजनों ने षड्यंत्र कर हड़प ली। उसके बाद 10 लाख रुपए की फिर मांग करने लगे। जब पीड़िता ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो ससुरालीजनों ने किन्नर के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया, जिस पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक फरुखाबाद से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही साथ जानकारी के अनुसार थाना जहानगंज क्षेत्र के गांव सितौली निवासी किशन पाल की पुत्री सौम्या, जो कि किन्नर है, उसने 22 मार्च 2023 को कानपुर के बिल्लौर अरौल के गांव इलायसपुर निवासी करण पुत्र श्रीकृष्ण के साथ कानपुर देहात के आर समाज में शादी की थी। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे समाज में एक और समाज होता है, किन्नर समाज, जिस उनको भी एक आम तौर पर जो नागरिक होते हैं उनको भी रहने का अधिकार है, हर प्रकार से जीने का, जीवन जीने का अधिकार है। और इसी को लेकर एक हमारे साथ किन्नर समाज से महिला हैं, उनसे ही बात करेंगे क्या कुछ हुआ है उनके साथ। उनका कहना है कि उन्होंने शादी की थी और उसके बाद उनके जो पति हैं उन्होंने छोड़ दिया है। पूरी बात जो घटना है उन्हीं से जानेंगे, तो आइए मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है? मेरा नाम जी सौम्या किन्नर। क्या मामला है, आप आज पुलिस अधीक्षक फरुखाबाद जी के पास गई थी कार्यालय में, क्या मामला है? मैं वहाँ पर इस वजह से गई थी, मैंने कानपुर में वहाँ पे अपने ससुराल से कार्रवाई की, तो वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई थी, तो यहाँ से हम कानों फतेहगढ़ पुलिस लाइन पे गए थे। अब क्या किस चीज़ सुनवाई नहीं थी, शुरू से बताइए, मतलब आपकी कहाँ की रहने वाली हैं और क्या किसके साथ शादी हुई? मेरी शादी हुई थी करण, कानपुर नगर का रहने वाला है, और उसका इलियासपुर मकनपुर में, इलियासपुर मोहल्ला में रहता है करण, उससे मेरी शादी हुई थी कोर्ट मेरी राज समाज से। संपर्क कैसे हुआ, अगर पूरी कहानी की शुरुआत कर लें, कैसे उनसे मुलाकात हुई? मुलाकात के लिए वो मेरी भाभी के सगे मामा का लड़का था, रिश्तेदारी वाली बात थी, और इसलिए गए आए थे। जिस दिन वहाँ पे पहली दफ़ा मैं गई थी उसी दिन वो लड़का हमारे पास आया था और लेटने बैठने लगा था, बोलने चालने लगा था, हाँ, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया था। तो प्यार होने की वजह से हम 6 महीना उसी के घर पर साथ में रहे। 6 महीने के बाद उसने मुझसे कहा शादी कर लो, तो मैंने कहा मैं किन्नर हूँ, मेरे कोई बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। तो वो ये भी कहने लगा था लड़का मुझसे, किन्नर अच्छे अच्छे बच्चों के पैदा नहीं, औरतों के नहीं होते, आप किन्नर हो तो इससे कोई बात नहीं, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ। तो जब शादी का प्रस्ताव उन्होंने रखा आपके साथ, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन? मेरे घर वालों का बिल्कुल मतलब यही कहना था कि वहाँ पर शादी मत करो। तो मैंने एक बार मैंने एक जहर भी खा लिया था उस लड़के के चक्कर में, तो वो करण लड़का जो था मेरा पति, वो मुझको यहाँ से बुला के अपने घर ले गया था। उनके घर वालों के क्या रिएक्शन थे, जब आमतौर पर देखा जाता है कि एक लड़का है एक लड़की से ही शादी करता है, आपसे उन्होंने शादी की, तो उनके घर वाले क्या एग्री थे इस पर? तो उस टाइम पे जिस वक्त हम उनके घर पे रहते थे उनके घर वाले बहुत खुश थे, काफ़ी हमारे पास पैसा था उस टाइम पे, बहुत अच्छे से चलते रहे, बहुत अच्छे से रहे। रहने के बाद थोड़ा थोड़ा हम काम धंधा मेरे पति ने बंद करवा दिया था, शादी हो गई थी उसमें लिखवा दिया था आप किन्नर का काम नहीं करेंगी, तो फिर हम पैसा ऐसा कम हो गया था, तो उन्होंने कहा हम जब रखेंगे आप 10 लाख रुपए मुझे और देंगे। 10 लाख रुपए और देंगी, इससे पहले भी आपने क्या उनको कुछ रुपया दिया था क्या? हाँ, 5 लाख रुपया करीब 9 तोला जेवर था मेरे पास। 5 लाख रुपया जो आपने दिया था वो नगद दिया था, किस तरीके? नगद कैश दिया था। मेरे लोगों किन्नर में वसूली चलती है होली की, होली का टाइम था, मैंने मेरे पास इलाका था, वहाँ के मालिक थे उस टाइम पे, तो वहीं पे हमने वसूली की थी और सालग भी की थी, तो वही पैसा मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने पति को दहेज के रूप में दिया था।
साफ तौर पर देखा कि जो महिला है उन्होंने उल्टा दहेज दिया था, ना कि उनकी तरफ से दहेज मिला था। और बात कर ले, जो आप कह रही थी इलाका था, वो यहाँ फर्रुखाबाद में ही था कि या कानपुर में? नहीं, यहाँ फर्रुखाबाद जानगंज रोड पे था, हाँ, गैस प्लांट की तरफ बगारपुर मुराज कन्हैया पे, यहीं पे था। और इस टाइम पे उस इलाके का मालिक मैं नहीं हूँ। शादी के बाद आपने वो काम छोड़ दिया? हाँ, शादी के बाद मैंने काम छोड़ दिया था, मेरे हस्बैंड ने छुड़वा दिया था करण ने। अब क्या वो कह रहे हैं, अब क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं आपको? अब वो रखना नहीं चाह रहे कि जे किन्नर हैं कि अब मैं साथ नहीं रहेंगे हम, पता मेरे पास पैसा नहीं। उनको लोगों ने कहना यही है 10 लाख रुपया और देंगे तो मैं रखेंगे। अगर 10 लाख रुपये आप और देती हैं उनको तो वो आपको रखने के लिए राजी है? हाँ, वो 10 लाख रुपये और दें तो रखने को राजी है। इस टाइम पे मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ, मैं अपनी बहन के घर पे रहती हूँ, बहन मुझे खिलाती है, बहन के बच्चे खिलाते हैं मुझे। हम कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। जैसा कि आपने बताया कि शादी के बाद आपने जो किन्नर समुदाय वाला काम होता है नेक मांगने का, वो बंद कर दिया, तो इसलिए आपके पास पैसा नहीं है? हाँ, मेरे पास में किन्नर वाला काम था, वो बंद कर दिया, मेरे पास इस टाइम पे कुछ नहीं रहा है। हाँ, तो क्या न्याय चाहती हैं आप? आज एसपी से मिली थी, क्या लग रही है आपको न्याय की उम्मीद? मैं न्याय की उम्मीद कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं इतना चाहती हूँ, मैं मतलब मेरे किन्नर के लोग मुझे रखने को राजी नहीं हैं। उन्होंने किन्नर के लोगों ने कहा है हम ऐसे तुमको अब नहीं रखेंगे, आप अपने वहीं पे ससुराल जाके गुजर बसर करें। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरा सबसे निवेदन यही है, कृपया मुझे मेरे पति के पास मुझे भेजा जाए, मेरे पति के पास मुझे रखा जाए। साफ तौर पर मान सकते हैं कि अब आप ना इधर की रही हैं ना उधर की रही हैं, क्योंकि किन्नर समाज ने भी आपको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और एक तरफ आपका जो पति है जो नाम बताया आपने, वो भी रखने से मना कर रहे हैं। हाँ, वो रखने से वो भी मना कर रहे हैं। उनसे मैंने कहा है, हम उनके घर पे अपने ससुराल में गए भी थे एक दिन, तो वहाँ पे हम पहुँचे तो उन्होंने मेरे सास ननद मतलब पारिवारिक लोगों ने मारतोड़ मेरे साथ में करने लगे थे। वहाँ पे हमने चौकी में, वहाँ पे मकनपुर चौकी में मैंने कहा, तो वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या लगता है जैसे कि आपको न्याय मिल पाएगा? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, क्या कहना चाहेंगी उनसे? मैं यही कहना चाहती हूँ, खैर उन्होंने दी तो मुझे जान से मारने की दी धमकी मेरे ससुराल के लोगों ने, पर मैं यही चाहती हूँ मुझे वहीं भेजा जाए, मैं वहीं रहेंगे, उसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। आज जो एसपी कप्तान साहब से आप मिली थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने क्या किया है, उन्होंने की आपकी सुनवाई की जाएगी, मुझे कह रहे थे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये थी हमारे साथ सोम्या किन्नर, जो कि एक जो इनका किन्नर वाला पेशा होता है उसको छोड़कर एक पारिवारिक जीवन बसाने की इन्होंने उम्मीद की, कोशिश की, और एक विवाह भी किया, और समाज मंदिर में बता रही है विवाह किया। और जो इनके पास पैसा था, नकदी थी, जेवरात थे, करीब 9 लाख रुपए, 9 तोला सोना और 5 लाख रुपए नगद इन्होंने अपने पति को दहेज के रूप में दिए, उसके बाद भी वो अब इनको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। अब देखना यह होगा कि जो फर्रुखाबाद का पुलिस प्रशासन है इनकी क्या मदद कर पाता है, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिल पाती है या नहीं। मैं कैमरामैन अंकित कुमार के साथ पंकज प्रकाश, PPF लाइव।